शिक्षा के मंदिर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। काफी समय से थाना डिलारी क्षेत्र में अवैध शस्त्र बनने व बिक्री होने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना डिलारी पुलिस को इस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर काम करते हुए थाना डिलारी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के एक स्कूल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने ग्राम नखुना के धर्मानंद भटनागर निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर के आनंद पब्लिक स्कूल पर छापेमारी कर अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री को पकड़कर चार अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस की इस छापेमारी को देखते हुए दो अभियुक्त स्कूल की बेंचों के सारे दीवार कूदकर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के नाम मुकेश कुमार शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, प्रशांत आर्य पुत्र हरीश चंद्र आर्य, जयपाल सिंह पुत्र रामचरण कश्यप, राजा राम पुत्र मोहन निवासी ग्राम नखुना का थाना डिलारी बताया। पुलिस के मुताबिक फरार अभियुक्त गण के नाम धर्मानंद भटनागर, मिक्की सेफी पुत्र अब्दुल बारिक निवासी ग्राम फरीदपुर हाजी थाना डिलारी, सोनू पेंटर निवासी मुरादाबाद बताया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बने अर्ध बने और खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ थाना डिलारी में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। जब मुझे मैंने बताना चाहा तो जो प्रबंधक महोदय हैं धर्मानंद भटनागर जी, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। तो डर के मारे मैं जो है जो मेरे संज्ञान में आया थोड़ा वो बता नहीं पाया। अच्छा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। फिर जो है फिर किसी तरह पर कल सर ने मुझे इंक्वायरी के लिए भैया प्रशासन क्या क्या है, तो सर ने इंक्वायरी के लिए सीधे यहाँ आ गए। मतलब ये बताओ तूने क्या असला फैक्ट्री की पुलिस से शिकायत की थी कि यहाँ पे अवैध असले बन रहे हैं? सर शिकायत करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने हमें मारने की धमकी दी थी। क्या शिकायत की थी तुमने, किससे कहा था? मैंने उनसे वही उन्हें पता लगा ना कि इससे पता लग चुका, तो उन्होंने कह दिया था हमसे अगर तुमने बताने की कोशिश करी तो ध्यान से मार दिया। ये धर्मानंद भटनागर है, धर्मानंद भटनागर वो कौन है? वो इसके प्रबंधक है और सब उन्हीं के संरक्षण में हो रहा था। हाँ आनंद पब्लिक स्कूल। अच्छा, स्कूल में चल रहा था ये? बताओ ये स्कूल में बनते थे हथियार? जी स्कूल में बन रहा था सर। अच्छा कौन कौन बनाता था ये? सर उन्हीं के संरक्षण में होता था धर्मानंद भटनागर। तीन और लोग हैं आपके अलावा, क्या ये बनाते थे या कोई और बनाते थे? ये हमारे अलावा कोई और थे, वो उन्हें अच्छी तरह जानकारी। आप चारों लोग जो हो आप हथियार नहीं बनाते थे? हम तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ाए जाते थे, 3:30 से 4:30 में इंग्लिश ट्यूशन देता था और पढ़ा के आ जाता। ये तीन और जो लड़के आपके साथ पकड़े गए हैं ये इनको जानते हो आप? ये सर ये भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ ये इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो फिर पुलिस ने आपको क्या पकड़ा? क्या प्रबंधक के कहने पे पुलिस ने आपको फंसा दिया? झूठे केस नहीं, ऐसा कुछ सर वो इंक्वायरी के लिए बुलाया था। इंक्वायरी के लिए बुलाने के लिए फिर यहाँ ले आए थे हमको थाने में। थानाध्यक्ष डिलारी और उनकी टीम द्वारा आनंद पब्लिक स्कूल डिलारी में दबिश दे करके वहाँ शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, दो अभियुक्त भाग गए हैं। वहां मौके से अर्धनिर्मित निर्मित और शस्त्र बनाने के सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार ऐसा जानकारी हुई है कि एक अभियुक्त जो फरार हुआ है उसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। हाँ इसमें वो भी आरोपी है और वो भाग गया है, उसकी गिरफ्तारी के हम पर हमारे द्वारा प्रयास किया जाए। अब ये उनका कहना है लेकिन हमारे साक्ष्य में उनके हमारे विवेचना में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अर्धनिर्मित और निर्मित करीब 50 से ऊपर असलहे बरामद हुए हैं। सर आगामी चुनाव होने वाले नगर पंचायत, तो उसमें भी कुछ इसकी रुकेगा? अब ये जो एक फरार अभियुक्त है उससे पूछताछ के बाद जानकारी मिलेगी कि इसके अन्य प्लानिंग क्या थी।